मैंने जैसे इस फिल्म में मेरी कुल्हाड़ी है, मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे सिर्फ बेटे का रोल जो बली कैरेक्टर है वो ऑफर हुआ था, लेकिन मेरे अंदर का वो लालची एक्टर जागा और मैंने खुद करण और आदि चोपड़ा से कहा कि मुझे ये कैरेक्टर भी प्ले करने दो। तो उससे काम तो डबल ट्रिपल ऐसा हुआ, कुछ पैसे भी नहीं मिले, बट एक्सपीरियंस अद्भुत रहा, सो वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले बॉडी बनानी पड़ती है, समवन नीड्स टू ईदर गिव मी एन एक्शन फिल्म और जस्ट आई कैन जॉइन द आर्मी आई थिंक बाय नाउ आई एम प्रीटी ट्रेन्ड। ये सोशल मीडिया और लड़कियों से क्या लेना देना है सर, फट फट के थोड़ी सी हाँ नहीं वैसे भी पड़ जाती है। मैं इतनी लॉयल गोलगप्पे वाली फैन हूँ, आई नॉट आई स्टॉप आई गिव आई गिवन अप ऑन पानी पूरी, आई ओनली आई इट्स रिजर्व्ड फॉर दिल्ली, व्हेनेवर आई कम टू दिल्ली दैट्स द ओनली टाइम आई ईट गोलगप्पा, आई एम दैट लॉयल। यू शुड ऑलवेज ड्रीम इन लाइफ बिकॉज़ ड्रीम्स कम ट्रू। तो मैं बात क्लियर करा दूं, ये जो हम पढ़ते ना न्यूज़पेपर में 100 करोड़ क्लब 200 करोड़ क्लब ये जेब में नहीं आता, ये किसी के जेब में नहीं आता, तो किसके पास जाता है? बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं, फिर जो बचा होता है वो प्रोड्यूसर के जेब में जाता है, डायरेक्टर और एक्टर को कुछ नहीं मिलता। अभी क्या खाया था फ्लाइट में गाइस? यार मैं बोलूंगा ना तो आई हैड आई हैड अ वो डिश जो नॉनवेज अच्छी लगती है वेज खाती है उसका। हम लोग तो जोमैटो में भी ढूंढते हैं कि दिल्ली वाली ब्रांच कौन सी खुली है बॉम्बे में, और वो उसमें भी कूड़ा मचा रहा था, उसमें कूड़ा मचा रहा था। चकते दिल्ली। मैंने 150 दिन शूट किए, 160 दिन मैंने ऐसा सोचा है एक इसको उठा ले क्या नहाओगे ना, जितनी मिट्टी और धूल इसने फेंकी और निकलती है। मुझे 2 साल लगे मुझे शमशेरा की मिट्टी निकालने में। मुझे याद है मैं सबको संजू सर सबको बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब मेरी करियर शुरू हुई थी तो मैं संजू सर के जिम में वर्कआउट करता था 3-4 साल, एंड हर शाम को जब मैं वर्कआउट करता था संजू सर नीचे आते थे और मुझे सिर्फ देखते थे वेट्स उठाते हुए। और फिर जिम के बाद एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया और पूछा कि यार तो 2 साल से आ रहा तेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, तू सुगड़ा ही सुगड़ा है। सो देन ही क्रैक्ड अनदर जोक कि तू अभी बर्फी कर रहा है, अगली फिल्म क्या करेगा, लड्डू करेगा, पेड़ा करेगा, कुछ अच्छी एक्शन फिल्म कर। तो आई थिंक ही ट्राई टू इंस्पायर मी एंड मोटिवेट मी। बट देन कमिंग बैक टू शमशेरा, जब आपके पास संजय दत्त जैसा विलेन है सामने, ही इज द थानोस ऑफ इंडिया, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, संजू सर यार लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एज एन एक्टर ये तो आपका फर्ज है, इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कि आपको थोड़ी बहुत तो बॉडी बनानी पड़ती है, क्योंकि आई हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट। आजकल एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स नहीं, एथलीट और एक्टर्स बनना पड़ता है, इट्स बिकम सो चैलेंजिंग नाउ। बट जब आप इंस्पायर होते हो, व्हेन यू आर मोटिवेटेड बाय द कैरेक्टर, बाय द वर्ल्ड, बाय द फिल्म, वो खुद ब खुद आ जाता है। बट मेहनत लगती है, बायोपिक विच वाज एग्जैक्टली 4 years back, बट देन वी गॉट हिट बाय द पैंडेमिक फॉर अ ईयर एंड हाफ। For 1 year, my father was very unwell, so a lot of time went in his treatment, going abroad. And then I've been working on Shamshera and Brahmastra, both these films, which are really these big ticket, long drawn films. And collectively, I've shot 350 days actually for both of us. So I was working, it's not that I was sitting at home. But now I'm very excited, both films are coming out. Shamshera is coming out this week and Brahmastra is coming on 9th of September. So I hope that this lost 4 years time has been made up by good entertainment for you guys. Main samajh gaya, pehla question bolta hu ki papa ne karan ke sath Agnipath mein kaam kiya tha, wo film ne papa ko bahut you know bahut naam diya, and he was very happy with the impact of that film. Jab maine ye film sign ki, he was of course very happy, because wo hamesha complain karte the ki meri film choices ekdum bakwas hai, tu aise film banata hai jahan you know it doesn't reach all India, it doesn't reach the masses. So he was very excited that I had signed Shamshera. Unfortunately, उन्होंने of course कुछ देखा नहीं है, ना poster, ना trailer, ना film के rushes. But I hope he's up there somewhere smiling and proud of me.